जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, पाक फौजीन के न्यूज़ चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग हमेशा से देखते रहे हैं, पाक फौजीन का हमारा जो चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोस, बड़े अच्छे ड्रामास और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा लेके आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी रूटीन है, आज एक और हमारे ढोल बजाने वाले एक दो हमारे मेहमान यहाँ पे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका मैं तारुफ करवा दूँ पहले। बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। आज बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगे हैं। तो ये हमारी रीत रही है पाक फौजीन की कि हमेशा से जो अच्छे लोग हैं और जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको हम प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ हम इनका काम, इनके ख्याल हमेशा से शेयर करते आए हैं और हमेशा शेयर करते भी रहेंगे। हमारी काविश, हमारी कोशिश भी होती है। तो आज हम बड़ी मुश्किल से इनको लेके आए हैं अपने चैनल के ऊपर, ताकि इनको भी आप लोगों के सामने रखा जाए और आप लोगों के व्यूज लिए जाए कि एक ऐसा काम करते हैं। ये आप लोगों ने बताना है अपने कॉमेंट्स में चेक करने के बाद। मैं इनका तारुफ करवाता हूँ आपसे। जनाब सागर साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। साथ इनके शागिर्द हैं मोहसिन, इन्होंने भी बड़ा नाम कमाया बड़े कम टाइम में, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं अपने उस्ताद की तरह ये भी। और जाहिर बात है उस्ताद अच्छे हों तो शागिर्द भी अच्छे होते हैं। तो आज हम इसीलिए इनको यहाँ पे पाक फौजीन के हवाले से यहाँ पे इस चैनल से लेके आए, ताकि इनकी आवाज़ को और इनके फन को आप लोगों के सामने दिखाया जाए और आप लोगों के सामने पेश किया जाए। तो मैं इनका तारुफ करवा दिया आप लोगों के साथ, अभी इनसे मैं बातचीत का आगाज भी करता हूँ और साथ साथ अपनी जो ये वैरायटी हैं, जो इनका कमाल है, जो इनका अंदाज है, जो इनके अंदर टैलेंट है, उसको भी ये जरूर शो करेंगे। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सागर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फौजीन न्यूज के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हमें बहुत फॉर्मेंस कर दिया है। अल्लाह इनका भला करे और अल्लाह इनको कामयाब करे। तो आज इस सिलसिले में मैं अपने इस बच्चे को ले आया हूँ कि ये फ़न के लिहाज से बहुत अच्छा बच्चा है। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बहरहाल आपने तो बहुत कुछ कह दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बेटा है ये अपने फ़न का मजारा करे। बहुत शुक्रिया फरमाना। जी सागर साहब, फन तो बिल्कुल हम लोग आप लोगों से देखेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। अपने जो व्यूअर्स हैं इनको भी हम आपका फन जरूर दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपका ये फन ना अपने जो हमारे ऑडियंस है उनको दिखाने से पहले कुछ इनको भी हम आपका फन जरूर दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपका ये फन ना अपने जो हमारे ऑडियंस है उनको दिखाने से पहले कुछ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप समझते होंगे इस चीज़ को, चूंकि आप इस फील्ड में हैं, कि कोई भी टैलेंट है आपके अंदर, उसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा ना एक नाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी सारे क्राइसिस को देखना पड़ता है, काफ़ी सारे मुश्किल हालात को भी देखना पड़ता है, बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप मुख्तसर से पहले हमें यह बताएं कि कब से आप इस फील्ड में हैं, कितना आपने काम किया। हम तो जानते हैं जारी बात है आपका, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, मैं चाहूंगा आप उनसे भी शेयर करें कि कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं और कैसा आप महसूस करते हैं जब आप प्रोग्राम्स में जाते हैं, जब आपको एक लोगों की तरफ से कहते हैं जब रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों जरा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आप प्रोग्राम्स में जब जाते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे से आप प्लानिंग कैसे करते हैं और अच्छे और बुरे रिस्पॉन्स को आप कैसे डील करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 26 साल से इस काम में मतलब मसरूफ़ हैं और इंशाल्लाह हमारी जो पार्टी है ये जफर के नाम से है, मुनीर के नाम से है, नासिर के नाम से है, रियासत के नाम से है। तो इसमें हमारे तकरीबन 20-25 लोग हैं और हमारे पास तकरीबन यूनिफॉर्म के हिसाब से कम वेश 10 पीसेस हैं। अच्छा माशाल्लाह जी, 10 यूनिफॉर्म हम दे सकते हैं। तो पाक फौजीन का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बेटे को मौका दिया। अब हम चाहेंगे कि ये आपको मुख्तलिफ तुमने मैंने आपसे एक बात पूछी सागर साहब, थोड़ा सा आप प्लीज रखिए माइक पास, थोड़ा सा जरा शेयर कीजिए ना हमारे जो देखने वाले हैं उनके कहते हैं ना वो एक तजस्सुस होती है कि यार आप लोगों से शेयर करें कि अच्छा और बुरा जो आपको रिस्पॉन्स जब आप बजाते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना जो आपको कहते हैं वाह भाई वाह क्या आपने बजाया जी, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ये रहा हमें बात है हमें ये वो जी, कैसा डील करते हैं आप, अगर अच्छा रिस्पांस आया उसको कैसा फील करते हैं, कभी कभार कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उलझते निकालने वाले होते हैं, जो बुरा भी कहे जाते हैं, कैसे फील करते हैं उस टाइम पे? हाँ बहुत उलझने भी आती हैं सर,
इस गांव में बहुत उलझने हैं। सही है, पहले पहले तो बहुत आसानियां थी, सही, लेकिन अब बहुत उलझने हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है व्यूअर्स, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, अच्छा रिस्पांस आए बुरा रिस्पांस आए उनको मैनेज जरूर वो करते हैं, लेकिन देखने वालों से हम यहाँ पे ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप लोग किसी भी कलाकार को किसी फनकार को आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से अपना टैलेंट जब रिप्रेजेंट करता है, तो प्लीज उसको आप जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस में उसका रिस्पांस दिया करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मेहनत होती है। लोग जो आप जो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं 26 साल, जैसा कि सावर साहब आपने बताया माशाल्लाह 26 साल का एक बहुत बड़ा दुरानिया होते हैं माशाल्लाह, तो आप भी 26 साल से उस्ताजी के साथ हैं। दूसरा चले, अच्छा सागर भाई मैं थोड़ा सा चाहूंगा आज आपके शागिर्द आपके साथ है तो मोहसिन जो है, मैं चाहता हूँ कि मोहसिन जो है ना सर ये हमारे जितने बच्चे हैं दूसरे भी इसको फोकस करें और इसी तरह काम करें जैसे ये कर रहा है, काम होना चाहिए सर पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी मैं एक गाना कर रहा हूँ जो 2007 में मैंने अब पंजाब आर्ट काउंसिल में किया था, तो उसके साथ से थोड़ा सा बजाएंगे। जैसे ही मैं गाना ख़त्म करूँगा तो ये दो चार धुनें जो है मुख्तलिफ जो बहुत अच्छी बजाते हैं वो अभी आपके सामने। अच्छा सागर भाई मैं यहाँ पे चाहूँगा ये कि आप स्टेप बाई स्टेप चले, स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि हमारे देखने वाले जो ऑडियंस है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से सुने। तो सबसे पहले ऑडियंस हम ये करते हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं तो उस्तादों से स्टार्ट किया जाएगा, सबसे पहले आप इनका सॉन्ग सुने, उसके बाद हम मोहसिन अली की तरफ आएंगे और इनकी धुनें भी आपको सुनाएंगे। जी, पासपोर्ट टीम न्यूज का शुक्रगुजार हूँ। 2007 में पंजाब आर्ट काउंसिल में मैंने किया था जैद रखना या टली ना रखना है, बंद का फोन बेटा यार रखना है, तो ये सराकी सॉन्ग था और बहुत कामयाब हुआ। और अभी इंशाल्लाह पिंकी के पंगे जो हैं वो बहुत जल्द कमेंगे। तेडा हर नंबर तेडे लगदियां तू अखा सागर यार लिखाया, अनपढ़ सामे किस दोस्त खोलूं, तेडा नंबर सेव करा डरे दे कम दे हथा खरकार वे तेडे फोन दा नंबर मिलाया, अफसोस नेटवर्क में बिजी ना ते जवाब वसूल न पाया, मैं ठुला दे उस्ताद होते हैं और वाकई इन्होंने अपना गा के जो है ना मैं आज ये शो करवाया कि ये वाकई में उस्ताद हैं, और जिस बिहाफ पे हम इनको लेके आए हैं इन्होंने वाकई बताया कि जी वाकई आप उस्ताद हैं, बड़ा मजा आया यकीन करें। और एक बात देखने वालों से तमाम से शेयर करूंगा कि प्लीज नंबर ना बंद रखा करें, ये बड़ा रोला होता है यकीन करें, जैसे टीम का खास तौर पर जो नंबर है ये याद रखें, इंशाल्लाह ये कामयाबियों से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो काविशें हैं अपना मलिक आबिद अवान साहब और ये जो सारे यहाँ मौजूद हैं ये सारे ही हमारी टीम के बहुत प्यारे और अच्छे बहुत बड़ा हिस्सा है, इंशाल्लाह एक दिन वह पाकिस्तान शो बेज को उठाने में इंशाल्लाह इनका बड़ा नाम होगा, ये हमारी दुआ है। भाई बड़ा ज़बरदस्त बड़ा मज़ा आया, ये तो आपकी मोहब्बत है पाक 14 हमारा चैनल, जैसा कि आपने भी बताया हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है पाक 14 की इस प्लेटफॉर्म से हम न्यू टैलेंट को भी लेके आते हैं, जो हमारे ऑलरेडी टैलेंटेड लोग हैं जो इस 24 की फील्ड में काफ़ी सारा काम कर चुके हैं या अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं उनको भी हम लेके आते हैं। ये जमा तफरीक वाला काम पाक 14 के हवाले से किसी जगह में नहीं है, हम लोगों की जो प्रायोरिटी है वो ये होती है कि जो अच्छे लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं उनको लेके आया जाए। आपने बिल्कुल सही बात की है,
बड़ा मजा है। अच्छा ये बताएं, ये लिखा भी आपने खुद इसको राइट किया हुआ? ये मैंने खुद ही राइट किया। अच्छा माशाल्लाह। 2007 में मैंने आगाज किया था पंजाब आर्ट काउंसिल से। वाह। तो व्यूअर्स देखें कि उस्ताद जो हैं वो माशाल्लाह गा भी रहे हैं और साथ जो है ना ये राइटर भी हैं, ये खुद अपना लिख भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। आप लोगों ने जरूर ये देखे, आपने सागर भाई के लिए जरूर अपने कमेंट्स करने ताकि इनकी हौसला अफजाई की जाए। अच्छा सागर भाई, अब मैं चाहता हूँ कि मोहसिन साहब जो अपने दो चार वैरायटियां हैं वो खड़े होकर प्यारी सी बजाएं और पाक 14 न्यूज का शुक्रिया अदा करके हम चले जाएं। चलें ठीक है, चलें जी मोहसिन भाई, आपको मौका देते हैं, आप जरा धुने सुनाएं हमारे सुनने वालों को, मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊं। थोड़ा सा आप जरा हमारी ऑडियंस को पहले बताएंगे कि आप किस किस्म की जो धुने हैं उनको सुनाने वाले हैं? जी ये हम जो बजा रहे हैं ना, ये है वो जो पहले धमाल होती है ना, कलंदरी धमाल, ये बजा रहे हैं। जब बजा रहे थे आप, यकीन करें आपके बजाते हुए ना, मैं तो यकीन करें प्रोग्राम में अल्लाह गुल्ला करने वाला था, लेकिन क्या करें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इस टाइम मैं एज अ होस्ट प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करूं तो यकीन करें बड़ी मुश्किल से ही ना मैंने अपनी ख्वाहिशात को दबाया। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा जी के हमारी ऑडियंस जो है ना, जारी बात है पठान भी कल्चर हमारा है, तो मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा आप जरा ना पठानों के लिए भी कुछ बताओ। आपने जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने देखा और आपने उनको सुना भी, जनाब सागर साहब को भी और मोहसिन साहब को भी। उम्मीद करता हूँ पाक 14 का हमारा ये आज का एपिसोड, जैसा कि हम बहुत सारे एपिसोड आपके लिए हमेशा से लेके आते हैं, ये आज का एपिसोड जैसे आप इंजॉय करते हैं आज भी आप लोगों ने यकीनन इंजॉय किया होगा। और मैं आप लोगों को ये बताऊं, जितने भी हमारे देखने वाले जनाब सागर साहब के साथ, मोहसिन साहब के साथ, अगर आपने किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट करना है या आपने इनको मौका देना है तो 03469572854 नंबर पे आप इनको रब्ता कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, 03469572854 पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। पाक 14 के इस प्लेटफॉर्म से हमने इनको आपके सामने प्रेजेंट किया, कैसा लगा आपको ये जरूर आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ हमारा पाक 14 का जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले वक्त में हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए किसी तरह की जबरदस्त वीडियोज हम लेके आते रहे। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे सागर भाई और मोहसिन को इजाजत दीजिए, धमाल पे एंड करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।